अब इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे पैरासाइट्स की एक मीटिंग चल रही होती है और उनमें से एक पैरासाइट बोलता है, इतने सारे फीडिंग लोकेशन बनाने के बावजूद भी उस पैरासाइट ने वो जगह चूज की जो कि हमारे फीडिंग लोकेशन भी नहीं थी। ना ही उसने अपनी भूख को प्रेफरेंस दी ज्यादा, बल्कि उसने दूसरे पैरासाइट्स के साथ लड़ाई भी की जो कि हमारे रूल्स के खिलाफ है। और ये पता लगाना भी बाकी है कि उस पैरासाइट को आखिर मारा किसने है। और तभी रियो को तामिया बोलती है खड़ी होकर, ये एक ह्यूमन का काम है। और तामिया एक प्रोजेक्टर के ऊपर शिनिची की तस्वीर को लगा देती है और बोलती है, ये इसका काम है, इसी ने उसे मारा है। थोड़ी देर बाद तामिया अपने घर चली जाती है और हम देखते हैं कि इसके साथ एक बेबी भी होता है घर पर। और तभी उसे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की कॉल आती है जो उसे बताता है, मिस तामिया, मैंने शिनिची को पूरे एक वीक तक फॉलो किया लेकिन अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ खास पता नहीं लगा है। अब इसके बाद हम शिनिची को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है और तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और शिनिची उन सब की पिटाई करता है एक पार्क में आकर। और वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है अपने कैमरे के अंदर। और शिनिची नीचे खड़े एक गुंडे से पूछता है, तुम्हें किसने भेजा था, बताओ मुझे। वो बंदा बोलता है, हां भाई, मुझे एक लड़की ने हायर किया था पर मुझे पता नहीं वो कौन थी। और दूसरी तरफ वो शिनिची का फॉलोअर रियोको को वो फुटेज दिखाता है जो उसने कैप्चर की थी, जिसमें शिनिची उन गुंडों से लड़ रहा होता है। रियोको पूछती है, तो क्या तुमने इस लड़की के बारे में कुछ और नोटिस किया क्या, जैसे कि इसके राइट हैंड का कुछ मूवमेंट वगैरह वो कुछ डिफरेंट था। वो इन्वेस्टिगेटरों से कहता है, नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और शिनिची घर से बाहर चला जाता है घूमने के लिए और वो इन्वेस्टिगेटर अभी भी उसे फॉलो कर रहा होता है। शिनिची उसी प्लेस पर पहुंच जाता है जहां पर काना मरी होती है और वो पर्सन उसे उस बिल्डिंग तक फॉलो करता है। और शिनिची बोलता है, काना मुझे ढूंढते ढूंढते यहां पर आई थी और उसे यहां पर एक मॉन्स्टर मिल गया था, ये सब मेरी गलती है, मुझे इसे पहले रोक देना चाहिए था। और तभी मिगी उस बंदे को नोटिस कर लेता है जो कि एक खिड़की से उन्हें देख रहा होता है और उसके हाथ से उस कैमरे को छीन लेता है। और मिगी उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है लेकिन शिनिची मिगी को रोकने की कोशिश करता है। मिगी उस बंदे की लेग को इंजर्ड कर देता है और उसके हाथ पर भी एक हमला करता है। और क्योंकि मिगी अब शिनिची की बॉडी से अलग हो गया होता है, उसमें इतनी पावर नहीं होती है कि वो उस इन्वेस्टिगेटर को जान से मार पाए। अब मिगी शिनिची से काफी दूर हो गया होता है, इसलिए वो जल्दी से शिनिची के पास जाता है और दोबारा से उसकी बॉडी में मर्ज हो जाता है। और शिनिची को कहता है, शिनिची उस बंदे ने हमें देख लिया है और उस बंदे के पास एक कैमरा भी था, हमें उसे मार देना चाहिए वरना हमारा सीक्रेट एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन शिनिची इस बात के लिए एग्री नहीं होता और मिगी धक्के से शिनिची को अपने साथ लेकर चलने लगता है लेकिन शिनिची फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है। इतने में वो बंदा दूर निकल जाता है काफी और मिगी थक जाता है। और शिनिची बोलता है, नहीं मिगी, मुझे और कोई खून खराबा नहीं करना, हम और ह्यूमंस की जान नहीं लेंगे, मिगी बोलता है। अब वो पर्सन वैसे भी बहुत दूर पहुंच चुका है, हम उसे नहीं पकड़ सकते। अब अगले दिन मिगी उस बंदे के कैमरे को इन्वेस्टिगेट करता है और देखता है कि उसमें शिनिची की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं और बहुत सारी वीडियोस भी होती हैं। और मिगी शिनिची से कहता है, शिनिची ये बंदा तुम्हें बहुत देर से फॉलो कर रहा था और वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। अब शिनिची अपनी सुनने की एबिलिटी पे फोकस करता है और अलग अलग चीजों की आवाज सुनता है और तभी उसे अपने उसी स्टॉकर की आवाज सुनाई देती है जो कि हांफरा होता है। और शिनिची अपने टेरेस पर जाकर उसे आवाज लगाता है लेकिन वो बंदा वहां से डरकर भाग जाता है। शिनिची मोमुरु से मिलता है जिसकी हेल्प से वो उस इन्वेस्टिगेटर को पकड़ने का प्लान बनाता है। और दूसरी तरफ हम उस इन्वेस्टिगेटर और तामिया को देखते हैं और वो स्टॉकर तामिया को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि शिनिची के राइट हैंड ने स्ट्रेच होकर उस पर अटैक किया था लेकिन तामिया ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और उसकी किसी भी बातों पर यकीन नहीं करती। वो इन्वेस्टिगेटर उसे कहता है, मैडम जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, उसके राइट हैंड ने ऐसे स्ट्रेच होकर मुझ पे हमला किया था, इतना खतरनाक, मैं तो इतनी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूं वहां से, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो मॉन्स्टर है क्या चीज। और तभी उस इन्वेस्टिगेटर को याद आता है कि एक बार तामिया ने शिनिची के राइट हैंड के बारे में उससे कुछ पूछा था कि क्या उसे कोई मूवमेंट वगैरह नजर आई थी उसके राइट हैंड में। और तभी वो इन्वेस्टिगेटर समझ आता है कि इसे इस बारे में पता था, ये बस नाटक कर रही है, इसे पता था कि शिनिची के राइट हैंड में कुछ गड़बड़ है इसीलिए इसने इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था और अब ये बंदी नाटक कर रही है। और तभी रियो को बोलती है, भाई हो गया तेरा बस, अब इसके बाद मुझे तेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तेरे जितने पैसे बनते हैं तेरे को मिल जाएंगे, अब इसके बाद मुझे परेशान मत करियो कभी भी। और रियो को वहां से उठकर चली जाती है। अब अगले दिन हम शिनिची को देखते हैं और मोमुरु इस वक्त एक गाड़ी के अंदर बैठा होता है और उसने अपने फेस की शेप चेंज करी होती है जिससे वो इन्वेस्टिगेटर उसे पहचान ना ले। और हम देखते हैं कि वो इन्वेस्टिगेटर अभी भी शिनिची को स्टॉक कर रहा होता है। मिगी शिनिची से कहता है, उन्होंने उस स्टॉकर को ढूंढ लिया है। वो इन्वेस्टिगेटर शिनिची के पीछे आने लगता है और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए एक टर्न लेता है तो वो देखता है कि शिनिची उसके सामने ही खड़ा होता है। वो इन्वेस्टिगेटर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन शिनिची उसे पकड़ लेता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है जिसे मामुरु चला रहा होता है। अब वो तीनों गाड़ी में बैठकर कहीं पर जाने लगते हैं और वो इन्वेस्टिगेटर डर के उनसे पूछता है, भाई एक गलती होगी यार, छोड़ दो मुझे, कहां लेके जा रहे हो यार। शिनिची बोलता है, चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बस तुम्हें एक जगह पर लेकर जा रहे हैं और तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे हमें। अब वो सभी लोग एक अबैंडेंट जगह पर आ जाते हैं और शिनिची उस इन्वेस्टिगेटर से बोलता है, तो ठीक है मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और शिनिची उसे सब कुछ डिटेल में बताता है पैरासाइट्स और मेगी के बारे में। और क्योंकि उस बंदे ने उसके राइट हैंड को देखा होता है उसकी बॉडी से अलग तो वो उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। शिनिची उस इन्वेस्टिगेटर से कहता है, देखो भाई मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमारे बारे में किसी को कुछ मत बोलो, ठीक है। और वो इन्वेस्टिगेटर कहता है, ना भाई मैं तो बताऊंगा भाई, अगर तुम सच में ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हो ना तो तुम्हें खुद को रिवील कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो चाहे फिर उसका मतलब तुम्हारा एक लैब रेट
पायलट बनना ही क्यों ना हो। अब ये सब सुनकर उन दोनों के पैरासाइट्स बाहर आ जाते हैं और वो इन्वेस्टिगेटर उनको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। मिकी बोलता है, किसी भी हाल में मैं शिनिची को खुद को रिवील नहीं करने दूंगा, जितनी राइट तुम्हें जिंदा रहने की है उतनी ही मुझे है। अब शिनिची उस इन्वेस्टिगेटर को बोलता है, देखो भाई हम तुम्हें मारना नहीं चाहते ठीक है, बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है मुझे स्टॉक करने के लिए। पर वो इन्वेस्टिगेटर उसे इस बात का जवाब देने से मना कर देता है और मिगी उसे बताता है, कहीं वो तामिया तो नहीं, वो एक पैरासाइट औरत है, हो सकता है उसने अपना नाम चेंज कर लिया हो। और मिगी उसे बोलता है, अगर तुम हमारे पीछे आना बंद नहीं करोगे तो हम नहीं तो तुम्हारी क्लाइंट ही तुम्हें मार देगी। अब वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि आधी रात को शिनिची को तामिया का कॉल आता है और वो उसे एक जगह पर आने के लिए बोलती है। अगले दिन शिनिची उसी जगह पर पहुंच जाता है जो कि एक यूनिवर्सिटी होती है और हमें पता चलता है कि रियोको तामिया वहां पर एक स्टूडेंट होती है और उसके साथ उसका बेबी भी होता है जिसे कुछ लड़कियां देख रही होती है और उसे बोल रही होती है, अरे ले 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 कितना क्यूट है। अब क्लास खत्म होने के बाद तामिया शिनिची से मिलने के लिए एक टेरेस पर आ जाती है और उसे पता चलता है कि शिनिची पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। रियोको के साथ उसका बेबी भी होता है और उसे बोलती है, शिनिची तुम्हें बोलते हो ना कि सभी स्पीशीज को आपस में कोएग्जिस्ट करना चाहिए। शिनिची बोलता है, हां तुम सही कह रहे हो लेकिन मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हारी स्पीशीज को कभी भी माफ नहीं कर सकता। और तभी तामिया को रियलाइज होता है कि शिनिची की मॉम मिसिंग होती है और वो शिनिची से पूछती है, एक मिनट तुम्हारी मॉम मिसिंग है, क्या उन्हें किसी ने मार दिया। शिनिची ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है और उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है और इसकी वजह से उसके हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। अब तामिया बहुत जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, तो तुम्हारी मॉम को हमारी ही किसी स्पीशीज ने खा लिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उसकी ये बात सुनकर शिनिची बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। रियो को बोलती है, लगता है तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता है क्या, अभी मेरी डिलीवरी हुई है कुछ ही दिन पहले और मैं अभी लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मुझे लगता है मुझे इस बेबी को एक शील्ड की तरह यूज करना चाहिए। और अब उन दोनों में एक फाइट होने ही वाली होती है कि तभी दो लड़कियां वहां पर आ जाती है और उन्हें नोटिस कर लेती है जिसकी वजह से तामिया उस पर हमला नहीं कर पाती और वहां से चुपचाप चले जाती है। और थोड़ी देर बाद शिनिची उसका पीछा करने लगता है और चलते चलते वो थककर एक जगह पर आकर रुक जाता है और तभी उसे अपने सामने एक फॉर्चून टेलर दिखाई देती है और वो औरत शिनिची के राइट हैंड को देखकर बोलती है, तुम्हारे हार्ट में एक होल है ना। शिनिची सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि इन्हें कैसे पता भाई, तुम्हें कैसे पता। वो लेडी बोलती है, इस होल को क्लोज करने के लिए उसी पर्सन से मिलो जिसने इसको बनाया है और उससे बात करो। अब शिनिची ये सुनकर हंसने लग जाता है और अपनी मॉम को याद करते हुए बोलता है, मैंने उस औरत को मार दिया। और ये सुनकर वो फॉर्चून टेलर की बकी रह जाती है। अब अगली सुबह हम उसी इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जिससे अपने एक इन्वेस्टिगेटर दोस्त से पता चलता है कि एक पैरासाइट एक अबंडेंट बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर है। वो खुद वहां जाने से डरता है इसलिए वो शिनिची से हेल्प मांगता है। अब शिनिची वहां पर जाता है और वो देखते हैं कि उस पैरासाइट ने वहां पर एक लड़की को मार डाला है। शिनिची उस पैरासाइट से फाइट करता है और काफी एक खतरनाक लड़ाई के बाद शिनिची और मिकी उसे मारने में सफल हो जाते हैं और वो इन्वेस्टिगेटर उसकी ये सारी की सारी लड़ाई को अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता है। लेकिन बाद में वो शिनिची को उस चिप को दे देता है, उस मेमोरी कार्ड को, और मिगी उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब ये बंदा पैरासाइट्स और इन सब से परेशान हो चुका है और डिसाइड करता है कि ये सारा काम छोड़ देगा इन्वेस्टिगेटर वाला। अब इसके बाद हम गोटो को देखते हैं जो कि एक पियानो बजा रहा होता है और तभी एक बंदा आकर उसे बताता है, गोटो शिनिची बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और मैं चाहता हूं कि उसे तुम हैंडल करो। गोटो बोलता है, तो ये काम तुम मुझसे कराना चाहते हो, ठीक है मैं उससे डील करूंगा। अब इसके बाद हम एक अजीब सी जगह को देखते हैं जहां पर एक मॉन्स्टर बैठा होता है और शिनिची उस मॉन्स्टर से पूछता है, तुम कौन हो, तुम तो कोई मॉन्स्टर लग रहे हो मुझे। और तभी वो मॉन्स्टर शिनिची को बोलता है, अच्छा तो मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तुम भी मुझसे कुछ अलग नहीं हो। और तभी उस मॉन्स्टर की आवाज मिगी में बदल जाती है और वो शिनिची को उसकी फोटो दिखाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और तभी शिनिची उस सपने से उठ जाता है। अब अगले दिन शिनिची स्कूल में होता है और वो कुछ सोच रहा होता है खिड़की में खड़ा हुआ और तभी मिगी उसे बताता है, शिनिची एक पैरासाइट हमारे आसपास है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मिगी उसे बताता है, इस बार हम टारगेट हैं और वो हमारी तरफ मर्डरस इंटेंट से आ रहा है और वो एक नहीं वो तीन पैरासाइट्स हैं। मिगी उससे पूछता है, तो शिनिची तो तुम फाइट करना चाहते हो या भागना चाहते हो। और शिनिची वहां से भागने का डिसाइड करता है और उस स्कूल से भागने लगता है और बोलता है, नहीं ये सब मैं स्कूल में नहीं कर सकता, यहाँ बहुत खतरा है। और तभी मुरानो वहां पर आ जाती है और वो शिनिची से पूछती है, शिनिची तुम कहां जा रहे हो इतनी जल्दी में। और तभी शिनिची उसे बोलता है, मुरानो तुम चिंता मत करो, तुम प्लीज अपनी क्लासरूम में जाओ, चिंता मत करो कुछ नहीं होगा। और मुरानो समझ जाती है कि ये बंदा फिर से कुछ गड़बड़ करने वाला है। और तभी शिनिची जल्दी में वहां से भाग जाता है और स्कूल की गेट से बाहर निकल जाता है और एक कोने में छुपता हुआ मिगी से पूछता है, मिगी कहां पर है वो लोग। मिगी उसे बताता है, शिनिची वो 300 मीटर से ज्यादा दूर हैं और सबके सब पैदल आ रहे हैं। लेकिन तभी मिगी को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। शिनिची बोलता है, अबे क्या कर रहा है भाई तू, अभी मत सो, अभी मुझे तेरी जरूरत है भाई, क्या कर रही है। और तभी मिगी कहता है, सॉरी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, बस किसी तरह से सरवाइव कर जाना। और ये बोलकर मिगी सो जाता है। अब शिनिची एक टैक्सी लेकर काफी दूर आ जाता है उस जगह से और सोचता है, अब तो मैं काफी दूर हूं पैरासाइट से, अब मुझे कोई खतरा नहीं,
नहीं है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे पीछे एक और टैक्सी वहाँ पर आ चुकी है और उसमें से एक बंदा बाहर निकलता है और शिनिची समझ आता है कि ये एक पैरासाइट है और ये यहाँ पर उसे मारने के लिए आया है। शिनिची अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और वो पैरासाइट भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पैरासाइट की स्पीड काफी स्लो होती है शिनिची के मुकाबले। अब शिनिची अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है बस, और तभी उसे एक गाड़ी मिलती है और वो गाड़ी वाला शिनिची को एक लिफ्ट देता है। और अब काफी दूर आने के बाद शिनिची सोचता है, फाइनली भाई 4 घंटे हो गए, लगता है वो पैरासाइट चला गया, मुझे कोई नहीं दिख रहा मेरे पीछे, अब मैं सेफ हूँ। लेकिन तभी एक ट्रक वहाँ पर आता है और वो बंदा उछलकर उस ट्रक से बाहर आ जाता है। पर हम देखते हैं कि जंप करने की वजह से ये बंदा नीचे गिर जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके बेसिक मोटर फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर रहे होते। और तभी मिगी भी उड़ जाता है और मिगी उसे बताता है शिनिची बाकी के 2 पैरासाइट्स भी इसी की बॉडी में है। और शिनिची सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। अब मिगी और मिकी, इस बंदे का नाम मिकी है, ये दोनों फाइट के लिए रेडी हो रहे होते हैं और मिकी मिगी को कहता है, जिस तरह से तुम बाकी पैरासाइट से फाइट करते हो, तुम्हारा लड़ने का तरीका मुझे काफी पसंद आया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि एक ह्यूमन ब्रेन होने की वजह से भी तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो, लगता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, हमारे साथी को तुमने बहुत ही बेरहमी से मारा था और अब उतनी ही बेरहमी से मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे लड़ते हो। और ये बोलकर वो बंदा मिगी पर हमला कर देता है। शिनिची उसके अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी शर्ट फट जाती है उसके हमले से और मिकी शिनिची के शोल्डर पर हमला करके उसे हर्ट कर देता है और शिनिची अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। मिकी शिनिची का पीछा करने लगता है और मिगी शिनिची को बोलता है, शिनिची वो पैरासाइट काफी स्लो है, तुम उससे फास्ट तो हो लेकिन तुम्हारे पास उतना स्टेमिना नहीं है, वो तुम्हें बहुत ही जल्द पकड़ लेगा। और शिनिची की स्पीड अब धीरे धीरे कम होने लगती है और वो बोलता है, मिगी मैं काफी थक चुका हूँ। अब चलते चलते शिनिची थक जाता है और सड़क के बीचों बीच आकर देखता है कि वो पैरासाइट उसका पीछा नहीं कर रहा, इसीलिए वो थोड़ी देर तक रेस्ट करने का डिसाइड करता है। मिगी बोलता है, शिनिची ये बिल्कुल अलग टाइप का एनिमी है क्योंकि उस एक ह्यूमन बॉडी में 3 पैरासाइट्स हैं और हम अकेले, मैंने ऐसा पैरासाइट पहले कभी नहीं देखा। और तभी एक गाड़ी वहाँ पर आने लगती है और मिकी उनके सामने आ जाता है। मिकी बोलता है, लगता है तुम्हें भागना काफी पसंद है पर अब मैं थकने लगा हूँ, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और तभी मिगी शिनिची से कहता है, शिनिची मैं अटैक्स को ब्लॉक करूंगा और तुम बस लेफ्ट साइड के अटैक्स को डॉज करना। अब मिकी उन पर अटैक करना शुरू करता है और शिनिची बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उन्होंने अभी डिसाइड किया। मिगी मिकी के लेग पर हमला करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, जिससे पता चलता है कि मिकी के लेग के अंदर भी एक पैरासाइट है जिसकी वजह से उसकी लेग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं। मिकी ये देखकर हंसने लगता है और कहता है, अच्छी चाल थी, अब मेरी बारी है। और इतना बोलकर वो शिनिची पर हमला कर देता है लेकिन मिगी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही मिकी शिनिची पर अटैक करता है तो उसके खुद के ब्लेड्स ही आपस में टकरा जाते हैं और शिनिची को नहीं मार पाते वो लोग। और ये देखकर शिनिची बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मिगी उसे बताता है, शिनिची ये एक तरह से मिसकम्युनिकेशन का साइन था, पहले तो मैं इस न्यू तरह के पैरासाइट को देखकर काफी हैरान था लेकिन ये इतना भी खतरनाक नहीं है। मिकी के पैरासाइट्स अलग तरह से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जिसकी वजह से इसके लेग्स ह्यूमंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काफी श्योर हूँ कि इसका हेड इसकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। अब शिनिची दोबारा से वहाँ से भागने लगता है और मिगी शिनिची को जंगल में जाने के लिए बोलता है और मिगी बताता है, शिनिची मिकी का कंट्रोल सेंटर ज्यादा तेजी से काम नहीं करता और इसी की वजह से वो भागते भागते कभी कभी गिर भी जाता है। उस बॉडी में 3 पैरासाइट्स होने की वजह से उनका आपस में कोऑर्डिनेट पूरी तरह से खराब है और इसी की वजह से ही उसके ब्लेड्स आपस में टकरा भी जाते हैं और यही रीजन है कि वो अपने हेड को फाइट में यूज नहीं करता। अब मिगी बोलता है, शिनिची मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि इसका हेड इसका कंट्रोल सेंटर है और इसकी पूरी बॉडी इसके हेड से कंट्रोल हो रही है। अब मिगी शिनिची को रुकने के लिए बोलता है और बताता है, शिनिची हम यहाँ पर लड़ेंगे। और मिगी बोलता है, इस बार हम उसके हेड को टारगेट करेंगे और जब मैं तुम्हें बोलूं तो तुम पूरी स्पीड में उसके पास बढ़ना। अब शिनिची मिगी की बात मान जाता है और मिकी के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। अब अचानक से शिनिची मिकी की तरफ भागता है और मिकी के ब्लेड्स वापस से आपस में टकराने लगते हैं। और अब जैसे ही मिकी अपने ब्लेड को निकाले लगता है अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो तभी मिगी अपने ब्लेड से उसके सर को काट देता है और उसका सर नीचे गिर जाता है। तभी मिकी घबरा जाता है और कहता है, ये तुमने कैसे किया, ये तो इम्पॉसिबल है। और अब मिगी के हैंड का पैरासाइट उसके हेड की जगह ले लेता है और हेड वाला कटा हुआ पार्ट उसके हैंड की जगह पर अटैच हो जाता है। और मिकी बोलता है, अब मेरी बारी। मिगी सब कुछ समझ जाता है और शिनिची को बताता है, शिनिची अब ये पुराने जैसा नहीं रहा, अब इसके हेड बनने पर इसकी पैरासाइट के पूरी बॉडी का कंट्रोल इसने अपने हाथ में ले लिया है। इसकी बॉडी में 3 नहीं बल्कि 5 पैरासाइट्स हैं। और शिनिची ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। मिकी उसे बताता है, ये पैरासाइट बिल्कुल सही कह रहा है, सिर्फ मैं ही इन पैरासाइट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। और तभी वो पैरासाइट अपने ह्यूमन फेस में आ जाता है और हम देखते हैं कि ये पैरासाइट गोटो होता है और ये गोटो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। ये इतना ज्यादा तेज होता है कि शिनिची को दिखाई तक नहीं देता ये जब पेड़ों के ऊपर मूव करता है। अब मिकी अचानक से शिनिची पर अटैक करता है जिसे शिनिची बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। मिकी बताता है, शिनिची अब जंगल में रहना हमारे लिए एक डिसएडवांटेज बन चुका है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। और शिनिची उस जंगल से बाहर निकलने लगता है और गोटो उस पर लगातार हमले कर रहा होता है और गोटो उसकी बैक को इंजर्ड कर देता है, लेकिन किसी तरह से शिनिची वहां से बचकर भाग जाता है और शिनिची एक ट्रक के अंदर बैठ जाता है।
है और वो नोटिस करता है कि गोटोऊ अभी भी उसके पीछे आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि गोटोऊ के पैर काफी अजीब तरीके के बन जाते हैं जिससे कि वो बहुत ही तेज भाग सकता है। मिगी गोटोऊ पर अटैक करता है जिसे गोटोऊ बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उसे डिसबैलेंस करने के लिए मिगी उस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील को घुमाने लगता है जिसकी वजह से गोटोऊ एक कार से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है और शिनिची और मिगी अपनी जान बचाकर वहां से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो लोग एक टाउन में पहुंच जाते हैं और मिगी उसे कहता है, शिनिची हमें एक दूसरे कपड़े लेने होंगे, हम बहुत ही अलग दिख रहे हैं और हमें एनर्जी के लिए कुछ खाना भी चाहिए, हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं। और हम दूसरी तरफ रियोको को देखते हैं जो कि दो पैरासाइट से बोल रही होती है, मुझे तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था, तुमने पूरे प्लान को फेल कर दिया, मैंने तुम्हें उस इन्वेस्टिगेटर को मारने के लिए कहा था, ना कि उसकी फैमिली को। दरअसल तामिया ने इन सबको भेजा होता है उस इन्वेस्टिगेटर को मारने के लिए क्योंकि वो काफी नजदीक पहुंच गया था इनकी रियलिटी को जानने के, पर ये लोग उसे मारते नहीं है। अब अगले दिन हम मुरानो को देखते हैं और युता उसे शिनिची का बैग देती है जो कि वो क्लासरूम के अंदर ही भूल गया था 2-3 दिन पहले। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वो इन्वेस्टिगेटर तामिया का पीछा कर रहा होता है। तामिया एक बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है लेकिन तभी वो सेंस करती है कि उस बिल्डिंग के अंदर 3 पैरासाइट्स हैं जो कि उसे मारना चाहते हैं। इसी वजह से वो अंदर नहीं जाती है और कहीं दूसरी तरफ जाने लगती है। वो इन्वेस्टिगेटर सोचता है मेरे पास अभी भी चांसेस हैं इसे मारने के लिए और तभी 3 पैरासाइट्स उसे घेर लेते हैं जो कि उसी के दोस्त होते हैं। उसी के पैरासाइट दोस्त उसे अब मारने का प्लान बनाते हैं और उसे घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रियोको अब पैरासाइट्स के लिए एक खतरा बन चुकी है क्योंकि उसके मन में ह्यूमंस के लिए थोड़ी थोड़ी सिंपैथी आनी शुरू हो चुकी है क्योंकि उसे उस इन्वेस्टिगेटर की फैमिली के मरने पर थोड़ा दुख हो रहा था। पर हम देखते हैं कि रियोको उन तीनों को बहुत ही आसानी से हरा देती है और अपने कुछ बॉडी सेल्स को उनकी बॉडी के अंदर डाल देती है जिसकी वजह से उनकी बॉडीज आपस में ही लड़ना शुरू कर देती है और इसी का फायदा उठाकर रियोको उन तीनों का काम तमाम कर देती है। अब इसके बाद जब रियोको अपने घर जाती है तो वह नोटिस करती है कि उसका बेबी वहां पर नहीं है और तभी उसे वहां पर एक नोट पड़ा हुआ मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उस इन्वेस्टिगेटर ने उस बच्चे को किडनैप कर लिया है और अगर वो अपने बच्चे को वापस पाना चाहती है तो उसे कल शाम के 8 बजे एक पार्क में आकर मिलना होगा। अब रियोको शिनिची को भी वहां पर बुला लेती है और ठीक शाम 8 बजे वो उस पार्क में पहुंच जाती है और वो देखती है कि वो इन्वेस्टिगेटर उसके बच्चे के साथ खेल रहा होता है और खेलते खेलते वो उस बच्चे को एक ब्रिज से फेंकने की कोशिश करने लगता है। वो रियोको को धमकी देता है कि वो उसके बच्चे को फेंक देगा नीचे जिसकी वजह से रियोको को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस इन्वेस्टिगेटर के सीने में अपने ब्लेड को घुसा देती है और उसे मार देती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। और तभी डिटेक्टिव हारामा वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इन सब के पीछे रियोको का हाथ है। दरअसल ये इस इन्वेस्टिगेटर की ही एक चाल होती है तामिया रियोको की असली आइडेंटिटी को सामने लाने के लिए उस डिटेक्टिव के सामने और उसका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। अब इसके बाद तामिया शिनिची से कहती है, इंसान हो या कोई पैरासाइट हो सबको जीने का हक है पर मुझे नहीं लगता कि इंसानों को मारकर जिंदा रहना सही रहेगा। और तभी डिटेक्टिव हारामा और उसकी टीम उसके पास पहुंचकर कहती है, मिस तामिया रियोको आपको उस इन्वेस्टिगेटर को मारने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन तामिया उन्हें इग्नोर करते हुए शिनिची की तरफ चलने लगती है और ये देखकर उसकी टीम उस पर गोलियों से हमला कर देती है और उसकी पीठ पर 3-4 गोलियां मारते हैं। तामिया का पूरा शरीर बुलेट्स से भर जाता है लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है और शिनिची के पास जाकर अपने बच्चे को उसे दे देती है और उसका ख्याल रखने को बोलकर नीचे गिर जाती है और मर जाती है। अब तामिया रियोको को मरता हुआ देखकर शिनिची को अपनी मॉम काना और उस पपी की याद आने लगती है जो कि उसकी आंखों के सामने ही मारे गए थे एक्सेप्ट उसकी मॉम। और ये देखकर शिनिची काफी दुखी हो जाता है अंदर से और इतने दिनों में पहली बार शिनिची की आंखों में हम आंसुओं को देखते हैं। और तभी मुरानो वहां पर आ जाती है और शिनिची की आंखों में आंसू देखकर मुरानो को लगता है कि उसका पुराना वाला शिनिची वापस आ चुका है। और अब शिनिची के इन सब में इन्वॉल्व होने की वजह से वो डिटेक्टिव्स शिनिची को अपने साथ लेकर चले जाते हैं कुछ पूछताछ वगैरह करने के लिए। अब अगले दिन मुरानो स्कूल की तरफ निकल पड़ती है और पीछे से युता और इसकी एक और दोस्त आकर उसे पूछती है शिनिची के बारे में और मुरानो ने कहती है, अरे हाँ हाँ ठीक है शिनिची बढ़िया है, वो बस कुछ पूछताछ के लिए कुछ डिटेक्टिव उसे लेकर गए हैं, वो आ जाएगा थोड़े दिन में आ जाएगा वो। और उस दिन जो कुछ भी पार्क में हुआ था उसे न्यूज में नहीं दिखाया गया था लेकिन मुरानो खुश होती है कि उसका शिनिची वापस आ चुका है। और इसके बाद हम एक प्रिजनर को देखते हैं, भाई ये बंदा बड़ा मस्त है मजा आएगा बहुत। और उसे बताया जाता है कि आज उसे एक बंदे को देखने जाना है। उस प्रिजनर को एक कमरे के अंदर लेकर आया जाता है जहां पर बहुत सारे कैमरास भी लगे हुए थे और शिनिची को भी बुलाया जाता है। शिनिची बहुत ज्यादा नर्वस होता है लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो मिगी को रिवील नहीं करेगा किसी भी हालत में। अब उस प्रिजनर को एक हेडफोन पहनाए जाते हैं और इस बंदे का नाम उरागामी होता है और वो डिटेक्टिव उसे कहता है, तो उरागामी अब मैं तुम्हें 5 बंदों से मिलवाऊंगा और तुम्हें उन सब में से अपने जैसा ही एक बंदा ढूंढना है जिसके पास सेम वही एबिलिटी है जो तुम्हारे पास है। दरअसल इस बंदे के पास पैरासाइट्स को सेंस करने की एक स्पेशल एबिलिटी होती है और अगर ये बंदा ऐसे ही किसी पैरासाइट से मिलेगा तो इसे पता चल जाएगा। और अब उस बंदे को बताया जाता है कि एक पैरासाइट भी हो सकता है यहाँ पर और ये सुनकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ओ भाई मुझे बाहर निकालो यहाँ से, मुझे नहीं पता मैं नहीं कर रहा। पर वो इन्वेस्टिगेटर से कहता है, अरे तुम चिंता मत करो ये बुलेट प्रूफ ग्लास है कुछ नहीं होगा तुम्हें बैठे रहो चुपचाप। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और सबसे पहले फुकामी नाम के एक बंदे को बुलाया जाता है और वो बंदा आकर उस प्रिजनर के सामने बैठ जाता है और उरागामी उन्हें बताता है, फ्रॉड है ये टोटल फ्रॉड, दूसरा लाओ भाई दूसरा। अब दूसरे बंदे को बुलाया जाता है जो कि एक सुंदर लड़की होती है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और उस डिटेक्टिव से कहता है, भाई क्या ये इस माल को क्यों लेके आए हो मेरे सामने।
सामने और ये बंदा उसे देखकर कुछ करने लग जाता है और वो लड़की ये देखकर वहां से भाग जाती है। अब इसके बाद शिनिची की बारी आ जाती है और शिनिची उस बंदे के सामने आकर बैठ जाता है और हेडफोन्स पहन लेता है। और तभी हम देखते हैं कि उरागामी सो जाता है। वो डिटेक्टिव उरागामी को जगाता है। ओ उरागामी जाग जा। उरागामी जाग जाता है और कहता है, वेटर चाय रेडी हो गई। और ये कौन है, तुम तो कितने क्यूट हो, अगर तुम लड़की होते तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता। ओ डिटेक्टिव इसे बोलो मुझे सीधा आंखों में देखे एक बार। और वो डिटेक्टिव उसे कहता है, शिनिची क्या तुम इसकी आंखों में देख सकते हो। अब शिनिची बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसकी आंखों में देखता है और उरागामी उसे बहुत ही सीरियस नजरों से देख रहा होता है, जिसे देखकर शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है, भाई क्या बंदा ये, क्या ये एक पैरासाइट है, नहीं ये तो एक इंसान है। और हम देखते हैं कि उरागामी शिनिची को बहुत देर तक घूरता रहता है और सोचता रहता है कि ये बंदा कोई पैरासाइट है या कोई ह्यूमन। और इसके बाद हमें इस बंदे का पास्ट दिखाया जाता है। ये बंदा एक सीरियल किलर होता है जिन्हें लोगों को मारने में बहुत ही मजा आता है और इंसानों को मारकर खाया करता था। ये उरागामी ने बहुत सारे ह्यूमंस का मर्डर किया होता है, जिसकी वजह से उसे ह्यूमंस की नेचर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है और उसका ऐसा मानना है कि ह्यूमंस बहुत आसानी से ब्रेक हो जाते हैं और जानवरों की तरह इंसानों में भी बहुत अच्छी एबिलिटी होती है अपने शिकार को जानने की। और उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी जब उसने पहली बार एक पैरासाइट को देखा था एक ह्यूमन की फॉर्म में। और अगर वो अपने आसपास घूमते हुए लोगों को 2 घंटे के लिए बस नोटिस करता तो उसे 1000 से भी ज्यादा पैरासाइट दिखाई देते थे, लेकिन कोई और उन्हें नोटिस नहीं कर पाता था। उन पैरासाइट्स को किसी की परवाह नहीं होती है और वो उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर ही रखता था क्योंकि उसे पता था कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी इसने नोटिस किया एक दिन कि इनकी किलिंग्स और इस उरागामी की किलिंग्स में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। और एक दिन इस उरागामी को किसी बंदे के मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है और हम देखते हैं कि ये बंदा अभी भी शिनिची को बस घूरता ही जा रहा था, लेकिन तभी वो कहता है, नहीं इसमें वो बात नहीं है, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तो नॉर्मल इंसान है। और शिनिची को वहां से भेज दिया जाता है। अब इसके बाद हम कुछ ऑफिशियल्स की मीटिंग को देखते हैं जिसके अंदर डिटेक्टिव भी होता है वही। और वो डिटेक्टिव बताता है कि गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दे दी है इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने की, लेकिन हमें ये ऑपरेशन बहुत ही सावधानी से करना होगा और यामागिशी तुम्हारा काम होगा पैरासाइट्स को डिटेक्ट करके उन्हें एलिमिनेट करना। और वो डिटेक्टिव कहता है कि हमें उरागामी को भी इस ऑपरेशन में शामिल करना चाहिए क्योंकि उसके पास पैरासाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल एबिलिटीज हैं और उरागामी बस पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए उनकी हेल्प करेगा। अब इसके अगले दिन शिनिची स्कूल जा रहा होता है और वो मुरानो से मिलता है और मुरानो शिनिची को उसके नोट्स देती है जो कि वो भूल गया था क्लासरूम के अंदर। और तभी 2 और लड़कियां वहां पर आ जाती हैं और शिनिची से थोड़ी देर तक बातें करती हैं। अब शिनिची स्पोर्ट्स पीरियड के बाद अपने कपड़े चेंज करने लगता है और उसके दोस्त जबरदस्ती उसकी टी शर्ट को खींच लेते हैं और वो देखते हैं कि शिनिची के हार्ट पर एक इंजरी हो रखी थी बहुत ही खतरनाक और उसे देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। वो डिटेक्टिव शिनिची को यामागिशी से मिलवाता है और यामागिशी बोलता है, तो शिनिची क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा कोई वेपन है क्या जो इन पैरासाइट्स के खिलाफ काफी इफेक्टिव हो सकता है। और शिनिची को याद आता है कि मेगी ने उसे एक दिन बताया था कि फ्लेम थ्रोअर्स पैरासाइट्स के खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और जैसे ही उनकी बॉडी के किसी ऑर्गन में फ्लेम पड़ती है तो उसके सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स पिघलने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी सेल्स में मिसकम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा। और तो और गोटो की बॉडी में चाहे मल्टीपल पैरासाइट्स हैं लेकिन उसका कंट्रोल सेक्शन उसका हेड होता है और अगर उसका हेड किसी तरह से शॉक में आ जाए तो उसकी पूरी बॉडी अनबैलेंस हो जाएगी। अब इसके बाद ऑपरेशन का दिन आ जाता है और बहुत सारे ट्रक्स एक बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर फेक अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि एक पर्सन इस बिल्डिंग के रूफ पर है एक वेपन के साथ और सभी सोल्जर्स उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। यामागिशी बोलता है, हम इन सभी पैरासाइट्स को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। एक सोल्जर बोलता है, सोल्जर्स सस्पेक्ट रूफ के ऊपर है, हम सबको यहां से निकालेंगे लेकिन ग्रुप्स में आप सभी लोग 7 बंदों का एक ग्रुप बना लीजिए। और दूसरी तरफ एक वैन के अंदर हम देखते हैं कि उरागामी को बुलाया जाता है, उन पैरासाइट्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उन्हें पर्सनली उन्हें सामने से देखना पड़ता है उन्हें डिटेक्ट करने के लिए। और तभी शिनिची भी उस वैन में आ जाता है और तभी उरागामी बोलता है, क्या भाई तुम्हारे बस के नहीं है क्या, मुझे क्या बुलाया यहाँ पे। और अब इस लड़के को भी बुला लिया और अब शिनिची को उन पैरासाइट्स को पहचानने के लिए बिठाया जाता है। अब उस बिल्डिंग के अंदर के सभी लोगों को 7 के ग्रुप में बाहर निकाला जाता है और यामागिशी उन सबको ऑर्डर देता है, सोल्जर्स अगर कोई भी वहां से भागने की कोशिश करे तो सीधा शूट कर देना, हिचकिचाना मत, ओवर एंड आउट। अब इसके बाद 7 लोगों के एक ग्रुप को एग्जामिन किया जाता है और वो सभी लोग ह्यूमंस निकलते हैं और उसके अगले ग्रुप में भी सारे के सारे लोग ह्यूमंस ही निकलते हैं। अब शिनिची मिगी से पूछता है, मिगी क्या तुम बता सकते हो अंदर कितने पैरासाइट्स हैं। मिगी बोलता है, नहीं शिनिची मैं श्योर नहीं हूं लेकिन अंदर काफी सारे पैरासाइट्स हैं। अब इसके बाद एक और ग्रुप को बुलाया जाता है और उसके अंदर एक पैरासाइट को डिटेक्ट कर लिया जाता है और उस पैरासाइट को पकड़ने के बाद वो सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं और एक सोल्जर उसे शूट करता है और इंजरी होने की वजह से वो पैरासाइट मर जाती है। और यामागिशी एक सोल्जर को उस पैरासाइट की बॉडी को हटाने के लिए ऑर्डर देता है। अब यामागिशी सोचता है कि इन पैरासाइट्स को मारने के लिए हमें बस इनके इंजन को डिस्ट्रॉय करना होगा जो कि है इनका हार्ट, अगर इनका हार्ट हमने तोड़ दिया तो ये अपने आप मर जाएंगे। और ये शॉटगन्स 16.8 mm की गोलियां बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती हैं इन पैरासाइट्स के खिलाफ। अरे भाई M1014 मारो इनके एक हार्ट में, मजा ले कोई जिंदा बच जाए। और BGMI फैंस नीचे अटेंडेंस तो लगा दो भाई। अब उन बुलेट्स की आवाज को सुनकर बिल्डिंग के अंदर खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब इसके बाद उस बिल्डिंग के अंदर एक पैरासाइट सोच रही होती है, ये सब क्या चल रहा है भाई। अब इसके बाद दोबारा से वही
इक्वेशन वाला सिस्टम शुरू हो जाता है और फर्स्ट बैच में सब लोग ह्यूमंस निकलते हैं, उसके नेक्स्ट बैच में भी सब लोग ह्यूमंस निकलते हैं। और अब यामागिशी मन में सोच रहा होता है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, क्या पैरासाइट्स को पता तो नहीं चल गया हमारे प्लान के बारे में। और अब वो डिटेक्टिव यामागिशी को कॉन्टेक्ट करता है और बताता है, हाँ यामागिशी, उरागामी से हमें पता चला है कि ये लोग टेलीपैथी को यूज कर सकते हैं। एक काम करो मेरे को, मैं उरागामी को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, तुम लोग उसका यूज कर सकते हो। अब उस बिल्डिंग के अंदर एक पैरासाइट बोलता है, सर कुछ लोग ऊपर फंसे हुए हैं, हमारी एक मीटिंग थी आज, शायद उन्होंने अनाउंसमेंट को नहीं सुना है और वो अभी भी उस रूम में है। एक सोल्जर बोलता है, ठीक है हम कुछ सोल्जर्स को भेजते हैं, वो लोग ऊपर जाकर इन्हें इवैक्यूएट कर लेंगे। और अब वो बंदा बोलता है कि सर आपको इन गन्स के साथ देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाएंगे, क्या हम लोग उन्हें ऊपर से ले आए? अच्छा भाई बहुत तेज हो। और अब यामागिशी को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो वो ऑर्डर देता है, किसी भी इंसान को ऊपर नहीं जाने दोगे, ये मेरा ऑर्डर है, ओवर एंड आउट। और तभी उरागामी को भी वहां पर बुला लिया जाता है और उरागामी उन्हें उस हथकड़ी को खोलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वो मान जाते हैं। और अब यामागिशी के ऑर्डर की वजह से वो लोग उस बंदे को ऊपर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से हिरोकावा, इस बंदे का नाम हिरोकावा है, ये बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है। उरागामी अचानक से डर जाता है और कहता है यहाँ पर बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, और बहुत ज्यादा घबराने लगता है। और उनमें से एक बंदे को शूट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा ह्यूमन निकलता है। ये देखकर पास में ही खड़ा एक बंदा बोलता है, तुम ये कैसे कर सकते हो? उरागामी बोलता है, इसे मारो, ये एक पैरासाइट है। लेकिन इतने में ही वो पैरासाइट उस पर अटैक कर देता है सोल्जर पर और उसे मार देता है, और एक दूसरा सोल्जर उस पैरासाइट के ऊपर शूट कर देता है। और अब डिटेक्शन सिस्टम के अंदर बुलेट लगने की वजह से वो खराब हो जाता है और तभी वो लड़की भी उन पर हमला कर देती है, लेकिन उसे भी बुलेट्स लग जाती है। और तभी उस बिल्डिंग के अंदर एक पैरासाइट कियोस क्रिएट करना शुरू कर देता है और उन सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देता है, और इसका फायदा उठाकर हिरोकावा और बाकी के पैरासाइट्स ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और वो सोल्जर्स उन्हें वहां पर जाने देते हैं। और इस तरफ यामागिशी भी वहां पर पहुंच जाता है बिल्डिंग के अंदर और उन सभी को अपने घुटनों पर बैठने के लिए बोलता है और बोलता है, सभी लोग अपने हाथों को अपने सर के पीछे रख लो, और अगर कोई भी बिना परमिशन के खड़ा हुआ तो उसे वहीं पर शूट कर दिया जाएगा। एक बंदा यामागिशी पर काफी गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपने हमें कब से यहाँ पर बिठा के रखा है, क्या समझते हो आप हमें? जिसकी वजह से यामागिशी बिना सोचे समझे उस बंदे को शूट कर देता है। और यामागिशी बताता है, इस बिल्डिंग में बहुत सारे पैरासाइट्स हैं और हमें उन सभी को मारना है, और अगर तुम लोग अपने आप को ह्यूमन समझते हो तो तुम ऐसा ही करोगे जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, चुपचाप जमीन पर लेट जाओ। अब यामागिशी अपने सभी सोल्जर्स को कुछ टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उरागामी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। उरागामी धीरे से बोलता है, मुझे हर जगह पैरासाइट्स दिखाई दे रहे हैं। उरागामी के साथ वाला ऑफिशियल बहुत ज्यादा डरा होता है और वो सोल्जर्स पैरासाइट को ढूंढना शुरू कर देते हैं ऊपर वाली बिल्डिंग्स में, और सभी लोग उस बिल्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा डरे होते हैं ये सब देखकर। और तभी एक पैरासाइट एक बंदे को उठाता है और उसे एक शील्ड की तरह यूज करके वहां से भागने की कोशिश करता है। सोल्जर्स उस पैरासाइट को शूट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो ह्यूमन और पैरासाइट दोनों मर जाते हैं, और एक टीम बहुत सारे पैरासाइट्स को नोटिस करती है जो कि मरे हुए थे, और एक सोल्जर यामागिशी को इन्फॉर्म करता है, सर यहाँ पे बहुत सारे पैरासाइट्स दिखे हमें। और उनमें से एक सोल्जर एक गेट तोड़कर अंदर जाने लगता है कमरे के अंदर, लेकिन वो देखता है कि वहां पर एक कपल कुछ करने में लगे होते हैं और उरागामी बोलता है, अरे नहीं नहीं ये तो निब्बा निब्बी है, छोड़ो इन्हें। और उरागामी के साथ वाला वो ऑफिशियल उन्हें इस टाइम पर ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा डांटते हैं। अब यामागिशी और एक टीम को एक पर्सन दिखता है, लेकिन उसे पैरासाइट समझकर यामागिशी उस पर शूट कर देता है और वो बंदा सच में एक पैरासाइट ही होता है। एक सोल्जर पूछता है, सर आपको किसे पता चला कि ये एक पैरासाइट है? यामागिशी बोलता है, वो इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है, तो मैं यहाँ पर जो भी मिले सबको मार डालो, किसी पर कोई रहम खाने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि इन सोल्जर्स का मेन मोटिव जो होता है वो ह्यूमंस की लाइफ को बचाना नहीं, पैरासाइट्स की सफाई करने का होता है, जिसकी वजह से उनका मिशन काफी अच्छे से हैंडल भी हो रहा होता है। लेकिन कुछ ह्यूमंस की लाइफ भी इस मिशन के अंदर जाती है, लेकिन बहुत सारे पैरासाइट्स को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा फ्लोर पर भाग रहा होता है और सोल्जर्स उसे रोकते हैं। वो बंदा बहुत ही ज्यादा डरा होता है और बोलता है, मैं एक पैरासाइट नहीं हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन उरागामी उन सोल्जर्स को उसे शूट करने के लिए बोलता है और वो सही में एक पैरासाइट निकलता है और उस पर गोलियों से हमला करके उसे मार देते हैं। गोटो उस पैरासाइट की बॉडी को देखकर अपने आप से बोलता है, सोल्जर्स शॉटगन को यूज करके इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये काफी इफेक्टिव तरीका है। इतने में दो सोल्जर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और उरागामी से पूछते हैं, ओ उरागामी ये ह्यूमन है या पैरासाइट है? जिसके रिप्लाई में उरागामी ने कहता है, हाँ ये भी एक पैरासाइट है, और वैसे भी भाई मैं बहुत थक गया हूँ, जल्दी खत्म करो ये, मुझे घर जाके डोरेमोन भी देखना है। अब जो भी मिल रहा है उसे मार दो, मुझसे मत पूछना। लेकिन तभी उरागामी गोटो की पावर को सेंस करता है और बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। वो सोल्जर्स समझ जाते हैं कि गोटो एक पैरासाइट है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गोटो उन सोल्जर से कहता है, एक काम करो तुम लोग इस तरफ आ जाओ, यहाँ पर बहुत कम जगह है। उरागामी डर कर भाग रहा होता है और उसके साथ वाला ऑफिशियल उसे पकड़ लेता है और वो ऑफिशियल उसे बोलता है, यही था ना तेरा प्लान, यहाँ से भागना चाहता है तू बस? जिसके रिप्लाई में उरागामी उसे कहता है, अब पागल वागल है तू, तूने इस बंदे को नहीं देखा, वो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है, अपनी जान बचाकर भागो और उन सोल्जर्स को कहो वापस आए। और इस तरफ वो सोल्जर्स गोटो को पीछे करते करते एक हॉल में आ जाते हैं और सभी ने उस पर गन तानी होती है और तभी वो सोल्जर्स उस पर शूट करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि काफी सारी बुलेट्स शूट करने
करने के बाद भी गोटोउ को कुछ नहीं होता। उसकी पूरी बॉडी गोलियों से छन्नी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है अपने कदमों पर। और तभी उसकी बॉडी से बहुत ही एक अजीब सी आवाज निकलने लगती है, जिसे सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। और गोटोउ उन सोल्जर्स की ही शूट की हुई गोलियों को अपनी बॉडी से निकाल कर उन्हीं पर मार देता है। गोटोउ एक सोल्जर के पास जाता है और वो सोल्जर उसकी आई पर शूट करता है। और तभी यामागिशी को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है और अब गोटोउ वहां से जाने लगता है। और इस तरफ हिराकावा को भी कुछ सोल्जर्स की टीम ने घेरा होता है। वो सभी लोग उसे घेर लेते हैं और यामागिशी को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। हिराकावा बोलता है, जो गन्स तुम्हारे पास है उसे एक और अच्छे यूज पर लगाया जा सकता है। इस गन का यूज पैरासाइट्स को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि नेचर को एक बैलेंस में लेकर आने के लिए किया जाना चाहिए। हमें उन लोगों को मारना चाहिए जो नेचर के लिए यूजलेस है, क्योंकि यहां पर इस दुनिया में हर कोई एग्जिस्ट करने के लायक नहीं है। ऐसे लोग बस हमारे इकोसिस्टम को तबाह करते हैं। तो मैं पैरासाइट्स को मारने की जगह उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पैरासाइट्स हम ह्यूमंस को और ज्यादा पावरफुल बनाने में हेल्प कर सकते हैं अगर हम उन्हें मिलिट्री में ज्वाइन करवा लेते। और मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमंस और पैरासाइट्स के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। जितने पैरासाइट्स हैं उतने ही ह्यूमंस होने चाहिए। और अंदर बैठे वो डिटेक्टिव और शिनिची भी उसकी ये सारी बातों को सुन रहे होते हैं। हिराकावा बोलता है, ये पैरासाइट्स इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करते हैं, और इस हिसाब से देखा जाए तो असली पैरासाइट्स तो हम ह्यूमंस हैं जो इस प्लेनेट को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। और तभी वो सोल्जर्स हिराकावा पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कि हिराकावा कोई पैरासाइट नहीं बल्कि एक ह्यूमन होता है। और तभी गोटोउ वहां पर आ जाता है और वो सोल्जर्स उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। गोटोउ हिराकावा को देखता है और कहता है, मैं इस इंसान को कभी समझ नहीं पाया, हम पैरासाइट्स के लिए इतना कुछ सैक्रिफाइस कर गया। और दूसरी तरफ उरागामी के साथ वाले ऑफिशियल सब सोल्जर्स की बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हिराकावा बोलता है, ये सब उस गोटोउ नाम के पैरासाइट का काम है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। एक सोल्जर यामागिशी को हिराकावा के बारे में अपडेट करता है कि उसकी डेथ हो चुकी है और उसे बताता है, सर हमें एक दूसरा पैरासाइट मिला है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उरागामी अकेले होने का फायदा उठा लेता है और अपने साथ वाले ऑफिशियल को शूट कर देता है और बोलता है, अरे यार नाइफ से मारना काफी ज्यादा मजेदार था, तुम्हारा गला बिल्कुल धीरे धीरे काटता ताकि तुम थोड़ा तड़प पाते। अब उरागामी वहां से जाने लगता है उसे मारकर और मन में सोच रहा होता है, अब बस मुझे किसी तरह से यहां से बाहर निकलना है। अब सोल्जर्स उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर गोटोउ होता है और गोटोउ पर वो लोग फायर करने लगते हैं और गोटोउ भी उन सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि गोटोउ बहुत ही खतरनाक तरीके से बहुत सारे ब्लेड से उन सोल्जर्स पर हमला करता है और साथ ही में उनकी गोलियों को भी डॉज कर रहा होता है। यामागिशी अपने सारे सोल्जर्स को रूफ की तरफ जाने का ऑर्डर देता है और गोटोउ पर एक बॉम्ब फेंक देता है। और थोड़ी देर तक चलते चलते यामागिशी रूफ पर पहुंच जाता है और वो बोलता है अपने सोल्जर्स को, सोल्जर्स हम इसे यहां पर मारेंगे। लेकिन तभी वो मुड़कर देखता है कि उसका एक भी सोल्जर उस रूफ पर आया ही नहीं होता, बल्कि गोटोउ वहां पर आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि गोटोउ ने उसके सारे सोल्जर्स को मार दिया है। यामागिशी बोलता है, तुम्हारी बॉडी काफी स्पेशल है। गोटोउ बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी पूरी बॉडी ऐसी नहीं है, मेरी बॉडी में भी काफी वीक पॉइंट्स है, जैसे कि तुम्हारे सोल्जर्स ने मुझे यहां पर हट कर दिया है, ये देखो। अब यामागिशी उस पर शूट करता है और गोटोउ अपने हैंड से एक बहुत ही खतरनाक सी शील्ड बना देता है और उसके अटैक्स को रोकता है। गोटोउ बोलता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे अटैक्स को डायरेक्टली भी डॉज कर सकता हूं, लेकिन इस वक्त मैं नो रिस्क पे हूं, इसलिए मैं बस उन्हें दूसरे एंगल पर मोड़ रहा हूं। और अब यामागिशी को काफी गुस्सा जाता है और वो उस पर बॉम्ब से हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोटोउ एक वॉल के ऊपर चढ़कर उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है। गोटोउ बोलता है, मैं बॉम्ब्स को तो आसानी से डॉज कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी बुलेट से नहीं बच पाता। और ये बोलकर गोटोउ उस पर हमला कर देता है और शिनिची नीचे खड़ा हुआ उस रूफ पर आते हुए गन शॉट्स को सुन लेता है। और हम देखते हैं कि गोटोउ यामागिशी को काफी ज्यादा इंजर्ड कर चुका होता है और यामागिशी उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन? और गोटोउ उस बिल्डिंग के रूफ से यामागिशी का सर नीचे फेंकता है और झाड़ियों में जाकर उसका सर गिर जाता है और फिर खुद भी नीचे आ जाता है उस रूफ से। और गोटोउ शिनिची को नोटिस करता है और मेगी शिनिची को बोलता है, शिनिची मुझे लगता है अब हम मरने वाले हैं, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ पर आने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि गोटोउ को इस वक्त शिनिची में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो एक लंबी सी छलांग मार कर वहां से भाग जाता है। और उसे देखकर वो डिटेक्टिव और उसके सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो डिटेक्टिव शिनिची को डांटने लगता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जहां पर तुम होते हो वहां पर बहुत सारे खतरनाक पैरासाइट भी मिलते हैं हमें हर बार। और अब शिनिची वहां से भागने लगता है और तभी एक सोल्जर चिल्लाने लगता है और बोलता है, सर यहां पर किसी का हेड पड़ा हुआ है। शिनिची वहां पर आता है और अपने हेड को पड़ा हुआ देखता है और हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था। और तभी शिनिची उठ जाता है। शिनिची मेगी से पूछता है, गाइस बस ये आखिरी वाला जो पार्ट था जिसमें शिनिची यामागिशी की जगह अपना हेड देखता है वो वाला बस एक सपना था। और अब शिनिची मेगी से पूछता है, मेगी क्या वो गोटोउ हमारे पीछे आएगा फिर से? और मेगी उसे बताता है, हां शिनिची वो बहुत ही जल्द हमारे पीछे आने वाला है। शिनिची मेगी से पूछता है, मेगी क्यों ना हम कहीं दूर चले जाएं यार, विदेश वगैरह में चल पड़ते हैं यार। लेकिन हम देखते हैं कि मेगी कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता और शिनिची देखता है कि मेगी सो रहा है। और तभी शिनिची को बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है और उसे हर इंसान में गोटोउ नजर आने लग जाता है। शिनिची मन में सोच रहा होता है कि कहीं गोटोउ उसके सामने ना आ जाए इस वक्त, वरना वो मारा जाएगा। अब शिनिची चलते चलते एक बंदे से टकरा जाता है और वो बंदा शिनिची को उसकी इस हरकत के लिए उसे माफी मांगने के लिए कहता है उससे और कहता है, अबे ओ दिखता नहीं तेरे को, सॉरी मांग उससे घुटने पर बैठकर। अब शिनिची इतना ज्यादा डरा होता है कि वो उसकी हर बात मान रहा होता है और अपने घुटने पर बैठ जाता है। और तभी शिनिची को ऐसा लगता है कि ये जो भी पैर इस बंदे ने इस पर रखा वो गोटोउ का पैर है, जिसकी वजह से शिनिची बहुत ज्यादा डर जाता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और मुरानो शिनिची को नोटिस करती है अपने घर के बाहर खड़ा हुआ और
मुरानो उससे पूछती है, शिनिची तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए? और तभी शिनिची मुरानो को हक कर लेता है और कहता है, मुरानो प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूँ, प्लीज तुम मेरा इंतजार करना। और इतना बोलकर शिनिची वहाँ से भाग जाता है। और अब अगले दिन शिनिची कहीं पर जा रहा होता है भागकर, और तभी मिगी शिनिची से कहता है, शिनिची हम अंडर अटैक है, जो सिग्नल मुझे आ रहे हैं वो काफी इंटेंस है, शायद ये गोटो है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी कार वगैरह में है। और तभी शिनिची एक कार के अंदर बैठ जाता है और हम देखते हैं कि मिगी ड्राइव कर रहा होता है। शिनिची से पूछता है, अबे ओए मिगी तूने ड्राइव करना कब सीखा? और हमें पता चलता है कि मिगी बहुत ज्यादा एडवांस होता है और उसने किताबें पढ़कर ही ड्राइविंग सीख ली होती है। और शिनिची मिगी से कहता है, मिगी किसी सुनसान जगह पर लेकर चलो यार, क्योंकि अगर हम लोग इस सिटी के अंदर फाइट करेंगे तो बहुत ज्यादा खतरा होगा, इसमें काफी लोग मर सकते हैं। और अब मिगी शिनिची की बात मान जाता है और बोलता है, शिनिची मेरे पास एक आइडिया है जो हमारे काम आ सकता है। और अब इसके बाद वो लोग काफी देर तक ड्राइव करते हैं और काफी दूर चलकर एक चट्टान से अपनी गाड़ी को गेर देते हैं और वो गाड़ी सीधा जाकर गोटाऊ के ऊपर लगती है और वो कार ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि इससे गोटाऊ को कुछ नहीं होता और वो अभी भी जिंदा होता है। और मिगी शिनिची से कहता है, शिनिची प्लान फेल हो चुका है, हमें यहाँ से भागना होगा। और गोटाऊ बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। अब शिनिची जंगल में भाग रहा होता है और मिगी शिनिची को एक जगह पर आकर रुकने के लिए कहता है। मिगी बोलता है, शिनिची जब तक वो यहाँ पर आएगा हमें एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। शिनिची कहता है, अबे ओ वो हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटने वाला है और तुम स्ट्रेटजी बनाने की बात करते हो यहाँ पे, पागल पागल हो तुम। मिगी बोलता है, शिनिची मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो इस वक्त, हर कोई मरने से डरता है, मैं भी डरा हुआ हूँ, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग से काम लेना होगा। और अब मिगी शिनिची को एक स्ट्रेटजी बताता है और उसे बोलता है, शिनिची गोटाऊ हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो हर एक एस्पेक्ट में हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, चाहे वो स्पीड हो या अटैक पावर, हम एक साथ मिलकर उस पर अटैक नहीं कर सकते, इसीलिए हमें अलग अलग होकर उस पर हमला करना होगा। शिनिची सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि क्या बोल रहा भाई ये, अलग अलग कैसे हम उस पर अटैक कर सकते हैं। और गाइज इनका प्लान ये होता है कि मिगी शिनिची की बॉडी से अलग हो जाएगा जिसकी वजह से गोटाऊ शिनिची को सेंस नहीं कर पाएगा और शिनिची उसका ध्यान भटकाएगा और मिगी बिल्कुल एक सही मौका देखकर गोटाऊ पर हमला कर देगा और उसे मार गिराएगा। और मिगी को उस कार में एक लाइटर भी मिला था जो कि उसने शिनिची के पॉकेट में डाल दिया होता है। अब थोड़ी देर बाद गोटाऊ वहां पर पहुंच जाता है शिनिची का पीछा करते हुए और गोटाऊ समझ जाता है कि मिगी ने अपने बहुत सारे फ्रेगमेंट्स को अलग अलग डायरेक्शन में फैला दिया है जिसकी वजह से वो उसकी एक्चुअल बॉडी को सेंस नहीं कर पा रहा है। और मिगी मन में सोच रहा होता है, हम ह्यूमन बॉडी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। शिनिची की बॉडी के जो सेल्स मिगी के अंदर आ गए थे वो बिल्कुल बदल चुके हैं और गोटाऊ उन्हें सेंस नहीं कर सकता है। और तभी गोटाऊ मिगी को सेंस करके एक ट्री के ऊपर आ जाता है और मिगी को ढूंढने के लिए एक ट्री के ब्रांचेस को काटने लगता है। गोटाऊ बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, आगे से अटैक क्यों नहीं कर रहे तुम? गोटाऊ मन में सोच रहा होता है, वो ह्यूमन कहां गया, क्योंकि अगर मैंने उसे मार दिया तो ये पैरासाइट अपने आप ही मर जाएगा। अब मिगी सोचता है कि गोटाऊ की बॉडी में जो उसका लीस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है वो उसका हेड है और अगर वो उसके हेड पर हमला करेगा तो वो गोटाऊ को जरूर से हरा देगा और उसकी पूरी बॉडी कंट्रोल खो देगी और वो मर जाएगा। लेकिन मिगी के पास एक ही चांस होगा उसको मारने के लिए। और अब शिनिची से इतनी देर तक अलग रहने की वजह से मिगी को ऐसा फील होता है कि उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड होनी शुरू हो गई है और अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। और अब गोटाऊ को गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है, जल्दी से बाहर निकलो, तुम उससे नहीं बच सकते, कायरों की तरह मुझसे छुपो मत, मेरे सामने आओ। अब मिगी शिनिची की आवाज निकालता है और जैसे ही गोटाऊ मिगी की तरफ मुड़ता है तो शिनिची एक फायर स्फीयर से गोटाऊ की लेग पर अटैक करता है। और अब जैसे ही गोटाऊ का ध्यान अपनी लेग की तरफ जाता है तो मिगी गोटाऊ की नेक पर हमला कर देता है, लेकिन वो अटैक इतना पावरफुल नहीं होता कि उसका हेड उसकी बॉडी से अलग हो जाए और मिगी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उनका मिशन फेल हो चुका है। वो उस पर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है लेकिन गोटाऊ उसके अटैक को रोक लेता है। शिनिची मिगी के पास आने लगता है और तभी मिगी उसे कहता है, शिनिची हम फेल हो चुके हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। और मिगी शिनिची को चिल्ला चिल्ला कर वहां से भागने के लिए कह रहा होता है क्योंकि अगर शिनिची वहां से नहीं भागा इस वक्त तो वो दोनों के दोनों मारे जाएंगे और अगर उनमें से किसी एक को अपनी जान बचानी है तो शिनिची को वहां से भागना होगा। अब गोटाऊ शिनिची पर अटैक करता है और मिगी गोटाऊ की एक लात को काट देता है और अब मिगी आखिरी बार शिनिची को भागने के लिए कहता है और शिनिची ना चाहते हुए भी वहां से भाग जाता है। और मिगी मन में सोच रहा होता है, ये शिनिची और मेरी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं उसके हेड को टेक ओवर नहीं कर पाया, वो काफी अच्छा इंसान है, हम लोगों ने काफी अच्छा टाइम बिताया, हमने काफी मेमोरीज भी इकट्ठी करी, लेकिन अब मेरा टाइम आ चुका है, मैं मरना तो नहीं चाहता लेकिन मैं मर रहा हूँ। और इतना बोलकर मिगी फेड हो जाता है और मर जाता है। और अब शिनिची भागते भागते एक रिवर के अंदर गिर जाता है और बाहर निकलकर शिनिची अपने हैंड को फील करने की कोशिश करता है लेकिन अपने हैंड को ना फील करने की वजह से शिनिची अब रोने लग जाता है और मिगी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। अब शिनिची जंगल के अंदर एक घर के अंदर जाता है और एक ओल्ड लेडी उसे नोटिस करती है और वो लेडी शिनिची को अंदर आने के लिए कहती है क्योंकि शिनिची को काफी चोट लगी हुई थी। अब शिनिची उस लेडी के घर के अंदर जाता है और खाना खाने लगता है लेकिन एक हाथ होने की वजह से उसे काफी दिक्कत आती है खाने में। अब शिनिची खाना खाकर वहां से जाने लगता है लेकिन वो लेडी उसे वहीं पर रोकने के लिए कहती है। अब अगले दिन शाम हो जाती है और शिनिची सोच रहा होता है मन में कि अब मिगी तो चला गया है तो अब क्या करना चाहिए उसे अपनी लाइफ में, और काफी दिन भी हो चुके थे और वो अपने घर भी नहीं गया था और सोचता है कि उसे घर जाकर अपने डैड को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, कैसे उसने अपना हैंड लूज किया और कैसे मिगी नाम का उसका एक दोस्त हुआ करता था। अब शिनिची एक ड्रीम देख रहा होता है और वो अपने ड्रीम में देखता है कि एक छोटा सा क्रिएचर शिनिची से पूछता है, क्या हुआ कुछ ढूंढ रहे हो तुम? शिनिची बोलता है, हाँ मैं मिगी को ढूंढ रहा हूँ।
वो मेरा दोस्त है। मिकी पूछता है, तुम्हारा फ्रेंड कैसा दिखता है? जिसके रिप्लाई में शिनिची बोलता है, नहीं मुझे याद नहीं वो कैसा दिखता है। जिसके रिप्लाई में वो मॉन्स्टर बोलता है, सॉरी मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और वो मॉन्स्टर वहां से जाने लगता है। और तभी शिनिची का ये सपना टूट जाता है और वो अपने राइट हैंड पर एक आंख को नोटिस करता है, जो कि मिकी के उन्हीं फ्रेगमेंट्स की वजह से होती है जो कि शिनिची के पूरी की पूरी बॉडी में फैल चुके थे जब मिकी ने उसकी बॉडी को रिपेयर किया था उसके हार्ट के जरिए। शिनिची रोता हुआ कहता है, मिकी क्या तुम जिंदा हो? लेकिन वो फ्रेगमेंट कुछ नहीं बोलता और शिनिची को रियलाइज होता है कि ये फ्रेगमेंट्स बहुत ही छोटे हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकते, जैसा कि मिकी ने पहले बताया था शिनिची को। और अब इसके बाद हमें उन जंगलों के बीच में एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि काफी इंजर्ड होता है और अपनी जान बचाकर किसी से भाग रहा होता है। और उसी दिन शिनिची उस ओल्ड लेडी के घर से जाने का डिसाइड करता है और तभी उस लेडी के घर के बाहर कुछ लोग आकर खड़े हो जाते हैं। वो लोग शिनिची के वहां पर आने की वजह से गुस्सा होते हैं और उसे पूछते हैं कि ये कौन है लड़का, ये यहां का तो नहीं लग रहा मुझे, ये कोई इंजान शख्स है। यहां कुछ टाइम से बहुत ही अजीबोगरीब चीजें चल रही हैं, जैसे कि एक इलीगल क्रैश डंपिंग, दो कार्स का टकराना जिनमें कोई ड्राइवर भी नहीं था, और अब ये मर्डर वाला इंसिडेंट। और तभी हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि उन जंगलों के अंदर भाग रहा होता है और वो उन सभी को बताता है, मेरी बात का यकीन करना, जो चीज मैंने देखी थी वो कोई ह्यूमन नहीं था, वो 3 मीटर लंबा था, उसके 4 हाथ थे और बहुत सारी आंखें थी और उसकी पूरी बॉडी पर बहुत सारे ब्लेड्स भी लगे हुए थे, प्लीज मेरी बात का यकीन करना। और शिनिची समझ आता है कि ये गोटोऊ की बात कर रहा है। वो बंदा बोलता है, तुम लोग मुझे पागल समझ रहे होगे, लेकिन ये ब्लड मेरे ही एक साथी का है जिसे एक मॉन्स्टर ने मारकर खा लिया है। और उसकी बात मानकर कुछ ऑफिसर्स जंगल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं और उन्हें उस पर्सन की बॉडी मिलती है और वो लोग समझ जाते हैं कि ये एक पैरासाइट का काम है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और शिनिची फाइनली उसके घर से जाने लगता है क्योंकि वो काफी दिनों से उस ओल्ड लेडी के घर में रुका हुआ था। और वो लेडी जाने से पहले शिनिची को कुछ वेपन लेकर जाने के लिए बोलती है अपने साथ क्योंकि बाहर बहुत सारे पैरासाइट्स घूम रहे होते हैं। अब शिनिची एक बुचर नाइफ उठाता है और आधी रात को ही उस जंगल में चला जाता है गोटोऊ को मारने। शिनिची मन में सोचता है, मेरे जीतने के 0 चांसेस है, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मुझे कोई भी इमोशन फील नहीं हो रहा, अब ये काफी स्ट्रेंज है लेकिन मेरे सेंसेस काफी तेज काम कर रहे हैं। अब शिनिची नोटिस करता है कि गोटोऊ सो रहा होता है और उसे रियलाइज होता है कि इन्हें भी रेस्ट की जरूरत होती है। मिकी भी काफी सोता था। अब शिनिची गोटोऊ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसकी फट रखी होती है और हम देखते हैं कि शिनिची चलते चलते गोटोऊ के काफी ज्यादा पास आ जाता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल था क्योंकि अब शिनिची के पास मिकी नहीं था, इसलिए गोटोऊ उसे सेंस नहीं कर पाता। और अब शिनिची गोटोऊ के पास जाकर सोचता है, क्या मिकी इस गोटोऊ के अंदर होगा अभी भी? अगर क्या मैं उसे आवाज लगाऊंगा तो वो मेरी बात का रिस्पॉन्ड करेगा? और अब शिनिची गोटोऊ के पीछे जाता है और उसी बूचर नाइफ से गोटोऊ पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोटोऊ जाग जाता है और शिनिची पर अटैक कर देता है। शिनिची भागकर जंगल के अंदर कहीं पर जाकर छुप जाता है और हम देखते हैं कि ये गोटोऊ काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है, मेरे सामने आओ, तुम जैसा एक कमजोर ह्यूमन मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। शिनिची मन में सोच रहा होता है, मैं नहीं जीत सकता इससे, लेकिन मैं कम से कम इसे डैमेज तो पहुंचा ही सकता हूं। मैं मिकी का बदला जरूर लूंगा, मेरे पास तुम्हारे जैसी पावर तो नहीं है लेकिन मेरी सेंसेस बहुत तेज है, अगर मेरे पास एक प्लान हो तो मैं गोटोऊ से फाइट कर सकता हूं। शिनिची मिकी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है और सोच रहा होता है, मिकी प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं। अब शिनिची गोटोऊ की नेक पर अटैक करने का डिसाइड करता है क्योंकि उसका हेड उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए उसे लगता है कि वो ही उसका वीक स्पॉट होगा। और तभी शिनिची को एक लकड़ी मिलती है और शिनिची उसे यूज करने का प्लान बनाता है। गोटोऊ शिनिची की आवाज सुन लेता है और उसकी तरफ जाने लगता है। शिनिची एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और सोच रहा होता है, अगर मैं गोटोऊ पर साइड से टकरूं तो मुझे उसके वीक पॉइंट्स का पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं ऊपर से हमला करूं तो मुझे इतना तो पता है कि गोटोऊ के नेक के पीछे एक होल है जो कि इसके इंटरनल ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, और अगर मैं अपना पूरा वेट इस वेपन के थ्रू उसकी बॉडी पर डालूं तो शायद बात बन सकती है, मुझे बस वो अटैक बहुत ही पावरफुल तरीके से करना होगा। और अब शिनिची उस पेड़ से नीचे कूदता है और नोटिस करता है कि वो मिशेटी जो उसने अभी मारी थी उसके वो बूचर नाइफ वो अभी भी उसके गले में होता है। गोटोऊ शिनिची को नोटिस कर लेता है और उस पर हमला करके उसे काफी दूर फेंक देता है। गोटोऊ शिनिची के पास आता है और बोलता है, तुम जैसे क्रीचर्स मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? शिनिची बोलता है, क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम कितने गंदे लगते हो? नहाता वाता नहीं है क्या तू? और अब शिनिची गुस्से में आकर गोटोऊ पर हमला करता है, लेकिन गोटोऊ को एक खरोंच तक नहीं आती। गोटोऊ बोलता है, मुझे तुम्हारे लड़ने का तरीका समझ नहीं आ रहा, ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा मुझे कोई नीडल चुबा रहा है, इस तरह के अटैक्स काम नहीं आने वाले मेरे खिलाफ। गोटोऊ शिनिची को एक पंच मारता है जिसकी वजह से शिनिची 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। शिनिची बहुत ज्यादा पेन में होता है और गोटोऊ शिनिची की तरफ बढ़ने लगता है। शिनिची नोटिस करता है कि वो उसी कूड़े के ढेर के ऊपर होता है जिसकी बात वो बंदा कर रहा था। इस जगह पर ये कूड़ा इलीगल तरीके से डंप किया जा रहा था बहुत लंबे टाइम से। अब शिनिची मन में सोच रहा होता है, यही मेरा अंत है, इस डंप यार्ड में मरने वाला हूँ मैं। गोटोऊ बोलता है, क्या यार तुम, मैं तो इसे एक फाइट भी नहीं कह सकता, तुमसे अच्छी तो वो तामिया थी। और तभी शिनिची को तामिया की एक बात याद आती है जब वो बोलती है उसे गोटोऊ काफी ज्यादा वीक है लेकिन उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शिनिची मन में सोच रहा होता है, भाई ये क्या बात हुई, अगर गोटोऊ को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है तो वो वीक कैसे हो सकता है? शिनिची ये सोच रहा होता है अपने मन में और गोटोऊ धीरे धीरे शिनिची के पास आ रहा होता है उसे मारने के लिए।
और शिनिची को उसी ऑपरेशन वाला दिन याद आता है जब यामाकिशी और उसकी टीम ने गोटू को उसके बगल में इंजर्ड किया होता है। वो जगह गोटू का वीक पार्ट होती है। शिनिची को ये बात समझ आ जाती है और उसे अपने बगल में एक आयरन रॉड दिखती है। और अब शिनिची आखिरी बार सोचता है अपने मन में, मैं जैसे ही ये करने का ट्राई करूंगा तो गोटू मुझे एक ही हमले में मार देगा, लेकिन मुझे कुछ तो करना ही होगा। और अब शिनिची गोटू पर एक आखिरी हमला करने का डिसाइड कर लेता है और गोटू धीरे धीरे करके शिनिची के बहुत ही ज्यादा पास पहुंच जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी शिनिची अचानक से उठता है और गोटू के उसी स्पॉट पर जो उसका वीक पॉइंट होता है वहां पर स्टैब कर देता है उस आयरन रॉड से। गोटू दर्द से चिल्लाने लगता है। शिनिची उस अटैक से बच जाता है और लात मारकर उस रॉड को उसकी बॉडी में पूरी तरह से घुसा देता है और वहां से भाग जाता है। गोटू काफी ज्यादा पेन में होता है और उस रॉड को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। शिनिची एक ट्री के पीछे जाकर छुप जाता है और तभी उसे उस ट्री से हिलने की आवाज आती है। शिनिची मन में सोच रहा होता है, क्या वो आ गया? चलो कोई बात नहीं, मैं काफी अच्छा लड़ा, मैंने उसे काफी डैमेज दिया। और तभी शिनिची पर एक बहुत खतरनाक हमला होता है और वो देखता है कि गोटू उसके सामने खड़ा होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और भाई ये बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है। भाई सही में यार ये बहुत डरावना है भाई, गोटू क्या ही बना दिया इन्होंने ये। और गोटू शिनिची से पूछता है, तुम्हें उस जगह के बारे में कैसे पता? शिनिची से कहता है, मैंने उस दिन तुम्हें देखा था जब वो ऑपरेशन वाला दिन था, तुम्हारे यहाँ पर दो गोलियां लगी थी। और अब गोटू शिनिची को मारने के लिए अपना ब्लेड निकालता है और शिनिची मन में सोचता है, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो जल्दी करना प्लीज। अब गोटू शिनिची पर एक अटैक करता है और शिनिची अपनी आंखें बंद कर लेता है और मरने का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी शिनिची के राइट हैंड से मिगी बाहर निकलता है। ये मिगी का वही छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि बचा रह जाता है शिनिची की बॉडी में। और मिगी का वो छोटा सा पार्टिकल एक ब्लेड बनाता है और गोटू के अटैक को रोक देते हैं। और तभी गोटू के हैंड्स उसकी बॉडी को छोड़ देते हैं और शिनिची की बॉडी को ज्वाइन कर लेते हैं। दरअसल गोटू ने मिगी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, लेकिन अब मिगी वापस आने की वजह से उसकी बॉडी को छोड़ देता है और शिनिची की बॉडी में चला जाता है। और अब मिगी को वापस जिंदा देखकर शिनिची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रोने लग जाता है और कहता है, मिगी तुम वापस आ गए। और शिनिची रोने लग जाता है और मिगी गोटू से कहता है, मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर रहकर काफी सारे वाइटल ऑर्गन्स को काफी नुकसान पहुंचा दिया है और मुझसे लड़ने से पहले तुम्हें उन्हें रीगेन करना होगा। और हम देखते हैं कि गोटू की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही होती है और शिनिची को समझ नहीं आता कि ये चल क्या रहा है भाई। और वो मिगी से पूछता है, भाई मिगी क्या चल रही है? और मिगी से बताता है, जो पैरासाइट सेल्स लीडर की बॉडी को बिलोंग नहीं करते वो इस वक्त डेंजर महसूस कर रहे हैं और उसकी बॉडी से बाहर निकलना चाहते हैं। शिनिची ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि अभी पहले जब तुमने उस रॉड को उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया था तो उस रॉड में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स लगे हुए थे क्योंकि तुमने उसको एक डंप यार्ड से उठाया था। और अब वो टॉक्सिन्स उसकी बॉडी में इंजेक्ट होने की वजह से उसके बाकी के वाइटल ऑर्गन्स खतरा महसूस कर रहे हैं। अब गोटू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें फाइनली मारने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी गोटू की बॉडी का एक हिस्सा बबल की तरह फूल कर फट जाता है। अब गोटू बहुत ही गुस्से में होता है और शिनिची की तरफ आने लगता है और तभी मिगी गोटू पर अटैक करता है। और अब मिगी गोटू पर एक हमला करता है और उसकी पूरी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है। शिनिची बोलता है मिगी को, मिगी मुझे काफी खुशी है तुम वापस आ गए यार, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब शिनिची मिगी को वही डंप यार्ड दिखाता है जहां से उसने वो रॉड उठाई थी और मिगी उसे बताता है, शिनिची ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है, एक मिनट, हमें उसी प्लेस पर वापस जाना होगा जहां पर हम लड़े थे। गोटू अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, एक्सप्लोड होने की वजह से उसका सारा टॉक्सिन बाहर निकल चुका है और अब उसका ब्रेन डेस्परेटली वापस से रिवाइव होने की कोशिश कर रहा है। अब वो दोनों गोटू के पास जाते हैं और मिगी उसे बताता है कि इसकी रीजनरेशन की पॉसिबिलिटी सिर्फ 50% है। अब शिनिची को रोयोको की बात याद आती है जो कि कहती है, हम पैरासाइट्स काफी कमजोर होते हैं। और शिनिची मन में सोचने लग जाता है, आखिर ये पैरासाइट्स पैदा ही क्यों हैं? क्या ये हमें मारने के लिए यहाँ पर आए हैं? क्या ये नेचर का एक तरीका है ह्यूमंस की पॉपुलेशन को बैलेंस करने का, क्योंकि हम अर्थ को बहुत धीरे धीरे तबाह करते जा रहे हैं, ह्यूमंस की वजह से बाकी की स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है। और गोटू इसका परफेक्ट एग्जांपल है। गोटू इतना ज्यादा ताकतवर था लेकिन वो भी ह्यूमंस के द्वारा किए गए पॉल्यूशन के सामने कुछ नहीं कर पाया। क्या ह्यूमंस पॉइजनस होते हैं और क्या ये पैरासाइट्स बिल्कुल सही कर रहे थे ह्यूमंस को मारकर? और अब शिनिची गोटू को ना मारने का डिसाइड करता है और नेचर पर छोड़ देता है। लेकिन आधे रास्ते में चलकर शिनिची अपना माइंड बदल देता है और गोटू को मार देता है क्योंकि वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। अब इसके बाद वो ओल्ड लेडी देखती है अपने बाहर की कुछ लोग शोर मचा रहे हैं और वो ओल्ड लेडी उनसे पूछती है कि क्या हो गया भाई, कहां जा रहे हो तुम, क्या है ये? और वो बंदे उन्हें बताते हैं कि एक बॉडी मिली है उन्हें जंगलों के बीचों बीच जो कि किसी पैरासाइट की है। और तभी वो ओल्ड लेडी अपनी मशेटी को अपने घर के बाहर पड़ा हुआ नोटिस करती है जिससे कि वो समझ जाती है कि ये शिनिची का काम था, उसने उसे मार दिया है। और शिनिची वहां से चला जाता है। अब अगले दिन शिनिची वापस अपने होम टाउन पहुंच जाता है और शिनिची मुरानो के साथ बैठकर एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर देता है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल होना शुरू हो गया होता है। और उस ऑपरेशन के बाद जो पहले कंडक्ट की गई थी, गोटू के मरने के बाद कोई भी पैरासिटिक एक्टिविटी नोटिस नहीं की जाती है पूरी दुनिया में और अब पूरी दुनिया में शांति होती है। अब थोड़ी देर बाद पढ़कर शिनिची और मुरानो वहां से जाने लगते हैं और तभी उरागामी उन्हें नोटिस करता है और तभी शिनिची उरागामी को नोटिस करता है जो कि उसे ही देख रहा होता है भीड़ के बीचों बीच। और अब शिनिची मुरानो को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और उसका पीछा करने लगता है और तभी भागते भागते शिनिची को अपने पीछे से मुरानो के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि उरागामी ने मुरानो के गले पर एक नाइफ रखा होता है। शिनिची उसके पीछे भागने लगता है और उरागामी एक लिफ्ट की हेल्प से ऊपर के फ्लोर पर जाने लगता है और अब वो दोनों बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक बंदा होता है जो कि उरागामी को नोटिस करता है और मुरानो को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उरागामी उसका गला काटकर उसे मार देता है। उस बंदे की गर्लफ्रेंड ये देखकर चिल्लाने लगती है
और वो बंदा उसे भी मार देता है। मुरानो देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और उरागामी उसे कहता है, तुम्हें तो मैं बाद में मारूंगा, पहले मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बात करनी है कुछ। अब शिनिची टेरेस पर पहुंचाता है और उन मरी हुई डेड बॉडीज को देखता है जो कि उरागामी ने मारी थी, और वो देखता है कि उरागामी ने मुरानो के गले के ऊपर नाइफ रखा होता है। और शिनिची उरागामी को कहता है, प्लीज भाई उसे जाने दो यार, हम आराम से बात कर सकते हैं इसके बारे में, प्लीज उसे जाने दो। और वो धीरे धीरे उरागामी के पास आने लगता है। तुम्हें क्या चाहिए यार, प्लीज बताओ मुझे। उरागामी कहता है, भाई मुझे एक अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए। बता, बताएगा? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मैं समझ गया था कि तुम एक पैरासाइट हो। और वो मुरानो से पूछता है, तुम तो इसकी बंदी हो, तुम्हें नहीं पता क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक पैरासाइट है? एक बात बताओ, तुमने इसकी बॉडी में कोई स्कार या कोई होल वगैरह नोटिस किया क्या? और मुरानो को शिनिची की बॉडी पर वही स्कार याद आता है जो कि उसकी चेस्ट पर होता है। और शिनिची उसे कहता है, भाई प्लीज जाने दो यार मुरानो को, प्लीज इसकी कोई गलती नहीं है इसमें। और शिनिची को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और मुरानो से कहती है, शिनिची तुम जाओ प्लीज यहाँ से, पुलिस को बुलाकर लेकर आओ, इसके साथ टाइम वेस्ट मत करो। मुरानो उरागामी को कहती है, तुम खुद को इंसान कहते हो, तुम उन मॉन्स्टर से भी ज्यादा बुरे हो, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ और मैंने दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी चीज देखी हुई है। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मुरानो शिनिची से कहती है, शिनिची तुम बहुत अच्छे हो, तुम एक ट्रू ह्यूमन हो। और शिनिची को दोबारा से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। उरागामी बोलता है, जाओ भाई जाओ जाओ, और जब तुम वापस आओगे ना तो तुम्हें इसके पीसेस दिखेंगे, छोटे छोटे बिल्कुल, पुलिस ने तो मुझे वैसे भी पकड़ लेना है, चलो कम से कम आखिरी बार मैं मजे करके तो मरूंगा। अब उरागामी मुरानो का गला काटने लगता है और शिनिची उसे रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उरागामी मुरानो को टेरेस से नीचे फेंकने लगता है। और शिनिची मन में सोच रहा होता है, मैं मुरानो को बचा सकता हूँ। और शिनिची एक प्लान बनाता है कि वो अपने लेफ्ट हैंड से उस नाइफ को स्टॉप करेगा और अपने राइट हैंड से उस बंदे को पंच मार के मुरानो को बचा लेगा। शिनिची ऐसा करता है लेकिन वो मुरानो को नहीं पकड़ पाता और मुरानो उस बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। और अब शिनिची को अपने मन में मिगी दिखता है जो कि उसे बोलता है, शिनिची तुम ह्यूमंस का फीलिंग्स होना बहुत बड़ी एडवांटेज है, ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक हार्ट है और ये एक बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट है क्योंकि तुम लोग फील कर सकते हो, अब मैं थक चुका हूँ और मुरानो को पकड़ने का काम अब तुम करोगे। और हम देखते हैं कि शिनिची ने टाइम पर मुरानो को पकड़ लिया होता है और मुरानो की जान बचा ली होती है और शिनिची उसे ऊपर खींच लेता है। शिनिची मुरानो से पूछता है, मुरानो क्या तुम ठीक हो? और शिनिची मन में कहता है, थैंक्स मिगी तुम अब भी मेरे साथ हो। शिनिची मुरानो से पूछता है, मुरानो क्या तुम्हें वो पपी याद है जिसे मैंने डस्टबिन में फेंक दिया था? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत गलत किया था और फिर मैंने उसे एक पेड़ के नीचे दफना दिया था। और मुरानो कहती है, हाँ शिनिची मुझे मालूम है और तुमने बिल्कुल सही किया था क्योंकि तुम शिनिची हो। और अब शिनिची मन में सोच रहा होता है, हम नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर भी कुछ पैरासाइट्स मौजूद हैं जो कि हम इंसानों को खोखला करते जा रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं एक इंसान हूँ और हम सभी लाइफ स्पीशीज को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो और गाइज आप लोगों का 100 के सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इतना सारा सपोर्ट दिखाया यार आप लोगों ने, सिर्फ 2 मंथ्स में 100 के सब्सक्राइबर करवा दिया यार, सच में भाई दिल से शुक्रिया यार आप सबको। और हाँ, इसके अगले वाली वीडियो जुजुत्सु काइसन पर होने वाली है और वो भी 1-2 दिन में आ जाएगी। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।